हेलो अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ इज्जा एंड यू आर सी मी ऑन माई यूट्यूब सईद आई थिंक सो बिकॉज इट इज़ इंटरप्टिंग इन माय स्पीच विद विच आई स्टार्ट अ माई वीडियो छोड़े चलो इन बातों को मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप कैसे आई होप स आप ठीक ही होंगे तो आज मैंने आपको बताना है कि मेरे चैनल की जो अक्सर रियत वीडियोज़ की आती है वो किस बेस पे होती है यू नो आई डज नॉट मैटर टू मी की हाउ आई लुक हेयर मेन चीज़ जो मेरा होता है ना वो ये होता है कि आप लोगों की माइंड्स में जो थाट्स होती हैं जो उनको पढ़ना उनको यू नो अल्फाज की शक्ल देना इवन आई कैन डू बैटर इट विद डिस्कशन विद विदिन आई लवट आई यू नो डिस्कस डिस मैनी टॉपिक बट यहाँ पर मैं अकेला होता हूँ बट आई आल्सो एन्जॉय इट बट आई कैन नेवर गेट्स मोर पॉइंट टू डिस्कस तो आज मेरा मेन मकसद था कि मैं जो साइकालोजी के हवाले से इवन आई एम आल्सो गोइंग इन मेडिकल फील्ड एंड आई एम सो फाउंड ऑफ बट आई एम आल्सो फाउंड ऑफ एट द सेम टाइम टू रीड साइकॉलोजी बिकॉज इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड सालोजी मेन क्या है जब भी आप साइकालोजी का किसी से जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब पागलपन आप पागलों का वो कर रहे हैं कुछ भी नो वे इज़ नॉट अबाउट यू नो बैडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स ये बिल्कुल भी नहीं है आप ये ना ही बिहेवियर है ये आपकी सोच तखलत जो आपकी दुनिया है मतलब अगर कोई बच्चा ज़्यादा हंस रहा है क्यों हंस रहा है ज़्यादा बोल रहा है क्यों बोल रहा है अगर वो किसी भी चीज़ में थोड़ा सा पीछे है बाकी नस्बत तो क्यों पीछे मेन हर एक एक्टिविटी हर एक बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से वो बच्चा एक नॉर्मल एक्टिविटी एक नॉर्मल ट्रैक से थोड़ा सा हट होता है तो उस चीज़ को साइकोलॉजी कहते हैं और उन चीज़ों को समझना उन चीज़ों को मतलब उनको सॉल्व करवाना उनकी फीलिंग्स को समझना ही ये एक मेन साइकोलॉजिस्ट का काम होता है तो मेरा काम जो है ना वो उन, उन, उन मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी आई एम नॉट यू नो फ्यूचर भी मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो नहीं है या बट मेडिकल में जो हम एजुकेशन uh, हासिल करते हैं उसमें साइकॉलोजी भी एक पार्ट है यू नो आई एम नॉट स्पेश दिस बट आई एम नॉट गोइंगलिस्ट इन दिस बट दिस आल्सो बी पार्ट ऑफ एज माई मेडिकल फील्ड मेडिकल एजुकेशन फील्ड तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे हवाले से मुझे तो बहुत पसंद है कि इंसान के बिहेवियर को समझना इंसानों को समझना है आज के दौर में है ही क्या इंसानियत ही नहीं है ना इंसानियत बहुत पीछे रह गई है इंसान डिप्रेशन एंगजाइटी और बहुत सारे ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन you know, से गुजर होता है जिसको पता ही नहीं होता और आप खुद बस अपनी मस्ती में गुम होते हैं और किसी पे बातें करना हो तो वो बस आज के इंसान सीख लो बाकी तो कुछ भी नहीं रखा बिकॉज It is interrupting in my speech with which I start on my video. छोड़ें चलो इन बातों को मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप कैसे आई होप सर आप ठीक ही होंगे तो आज मैंने आपको बताना है कि मेरे चैनल की जो अक्सर अक्सरियत वीडियोस की आती है वो किस बेस पे होती है यू नो इट डज़ नॉट मैटर टू मी के हाव लुक हेयर मेन चीज जो मेरा होता है ना वो ये होता है कि आप लोगों की माइंडस में जो थाट्स होती हैं जो उनको पढ़ना उनको यू you नो know, Uh, अल्फाज की शक्ल देना इवन आई कैन डू बैटर इट विद डिस्कशन विदरी लवट हवे आई नो डिस मैनी टॉपिक बट यहाँ पर मैं अकेला होता हूँ बट आईसो एंजॉय इट बट आई कैन नेवर गेट्स मोर पॉइंट टू डिस्कस तो आज मेरा मेन मकसद था कि मैं जो साइकालोजी के हवाले से इवन आई एम आल्सो गोइंग इन अडिकल फील्ड

बिल्कुल भी नहीं है आप ये ना ही बिहेवियर है ये आपकी सोच तखलात जो आपकी दुनिया है मतलब अगर कोई बच्चा ज़्यादा हंस रहा है क्यों हंस रहा है ज़्यादा बोल रहा है क्यों बोल रहा है अगर वो किसी भी चीज़ में थोड़ा सा पीछे है बाकी नस्बत तो क्यों पीछे मेन हर एक एक्टिविटी हर एक बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से वो बच्चा एक नॉर्मल एक्टिविटी एक नॉर्मल ट्रैक से थोड़ा सा हट होता है तो उस चीज़ को साइकोलॉजी कहते हैं और उन चीज़ों को समझना उन चीज़ों को मतलब उनको सॉल्व करवाना उनकी फीलिंग्स को समझना ही ये एक मेन साइकोलॉजिस्ट का काम होता है तो मेरा काम जो है ना वो उन, उन मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी आई एम नॉट यू नो लिंकड विद इच एंड इन फ्यूचर भी मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो नहीं है या बट मेडिकल में जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं उसमें साइकोलॉजी भी एक पार्ट है यू नो आई एम नॉट स्पेश लिस्ड इन दिस बट आई एम नॉट गोइंगलिस्ट इन दिस बट दिसो बी पार्ट ऑफ एज माई मेडिकल फील्ड मेडिकल एजुकेशन फील्ड तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हवाले से मुझे तो बहुत पसंद है कि इंसान के बिहेवियर को समझना इंसानों को समझना आज के दौर में है ही क्या इंसानियत ही नहीं है ना इंसानियत बहुत पीछे रह गई है इंसान डिप्रेशन एंग्जाइटी और बहुत सारे ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन you know, से गुजरा होता है जिसको पता ही नहीं होता और आप खुद बस अपनी मस्ती में गुम होते हैं और किसी पे बातें करना हो तो वो बस आज के इंसान से खुलो बाकी तो कुछ भी नहीं रखा लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मेरे इर्द के जितने भी लोग हैं मैं उनको सुनूं उनकी फ़ीलिंग्स को समझूं और उनके लिए एक मतलब हमदर्द इंसान बनने की मैं पूरी कोशिश करता हूं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको अच्छे इंसान मिले बेहतर है कि आप एक अच्छे इंसान बन के किसी के लिए यू नो मुसर हो जाए तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ़ द यू नो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग एंड इट शुड आल्सो बी ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स तो मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है इवन मैं अभी भी बहुत से ऐसे मेरे जो जानने वाले होते हैं इवन आई डोंट डॉट मच फॉलिंग विद दैम बट वो इस फेस से गुजर रहे होते हैं वो मुझे आके अप्रोच करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं और मेरे अल्फाज उनको उनकी सिचुएशन को समझते हैं ऐसी सिचुएशन में मेनली आपको ये करना होता है कि जो सामने वाला कह रहा है उससे उस चीज़ में ढल जाना चाहिए कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा वो किस सिचुएशन में है एंड यू डोंट नो वो रियली really उस चीज़ में ऐसे होता है वो जैसा कह रहे होते हैं आप किसी भी चीज़ को आइडली नहीं ले सकते कि ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता बेवकूफ़ हैं है वो हम लोग अपने से मशवरे देना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन ये गलत है आपको सामने वाले की सिचुएशन को समझना चाहिए उसमें खुद को डालना चाहिए और फिर उनसे कहना चाहिए कि समझते हैं ये सिचुएशन ऐसी है आप कह सकते हैं ये ये है ये वो है मीन आपको उसी तरह का बन के वो सारा गुबार निकालना है जो उनके अंदर है आपके अल्फाज भी जब उनकी सिचुएशन को समझ कर उसके साथ चलते हैं तो उनके गम में काफ़ी हद तक जो ना कमी हो जाती है तो क्योंकि उनका गुबार निकल रहा होता तो है फिर आप भी जब उसी चीज़ को सपोर्ट करो तो फिर उससे भी उनके माइंड को तो थोड़ी तो सी रिफ्रेशमेंट मिल जाती है उस चीज़ से निकलने में फिर आहिस्त आहिस्ता आप उनको ट्रैक पे लेकर कर जाते ले हैं फिर यू कैन आल्सो गिव गुड एडवाइस उन जिसके साथ वो अपनी लाइफ को आगे चला सकें तो ये होता है एक तरीका ये होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो आपके माइंड्स को पढ़ते हैं हर वो गम जो दिखता नहीं है हर वो चीज़ जो शायद एक आम चलने वाला इंसान महसूस नहीं कर सकता वो एक साइकोलॉजिस्ट को महसूस करनी होती है इवन मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी आज के हर एक इंसान को पढ़नी और समझनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पहले एक होता था एक ऐसी नेचुरल एनवायरनमेंट थी एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ था कि एवरी बडी नेवर गेट यू नो गेट सिक विद दिस एंगजाइटी एंड डिप्रेशन बट आजकल है मैक्सिमम हमारी सोसाइटी इस फेज से गुजर रही होती है लेकिन कुछ समझने वाला नहीं होता कोई साथ ही नहीं होता फिर वो गलत कदम उठाते हैं फिर हम कहते हैं कि बच्चा ऐसा है कोई साथ देने वाला था कोई स्पोर्ट्स सिस्टम था क्यों नहीं था ये कभी सवाल कोई भी नहीं करता सो सो सॉरी फॉर फॉरवर सोसाइटी कि बस उसे बोलना आता है वो भी क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन नहीं तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे अप्रोच करें वो मुझे कमेंट्स करें अगर वो मेरी वीडियो सुनते हैं उन्हें किसी भी ऐसे एक इंसान की ज़रूरत है दे कैन कॉन्टैक्ट मी मतलब एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि इंसान को चाहिए होता है कि वो किसी की बातें किसी के गम को सुने और मैं समझता हूँ कि अगर एज ऑन ए सोशल मीडिया यूज़र एज ए मेम्बर ऑफ दिस कम्यूनिटी हमें चाहिए कि अगर हम चाहे किसी को दिलासा नहीं दे सकते मुंह पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जो हम आमने सामने नहीं कह सकते हम फोन पे मैसेज पे कह सकते हैं तो आजकल तो हम लोग मोस्टली किसी के ज़रिए कंटेक्ट कन, में होते हैं तो मैं यू you नो know, आप के लिए एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ अगर कोई भी लोग ऐसे हैं जिनका काम, वैसे तो सोशल मीडिया पर बहुत कम लोग इसको जानते हैं वो तो ईज़िली अपनी चीज़ें अपना गुबार निकाल सकते हैं अपनी एक मतलब जो ना जो सिचुएशन जो फेज डिफ़िकल्ट फेज होते हैं जैसे वो गुजर रहे हैं वो बयान करके लेकिन यह ना ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं लेकिन मेरी आप सब से वो है और मैं आप सबके लिए इस चीज़ के लिए मतलब वो अवेलेबल हूँ कि अगर आप में से कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसकी जिसकी लाइफ में कोई भी डिफरेंट एंगजाइटी डिप्रेशन एंड डिफिकल्ट फेजेस चल रहे हैं क्रिटिकल सिचुएशन है और उनको समझने और उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है देखेंड कॉन्टैक्ट मी वाया कमेंट्स कमेंट्स में वो मुझसे ऐसा कह सकते हैं या फिर मेरी सैयद जोब नकवी फेसबुक पे आईडी है वहाँ पर मेरी प्रोफाइल भी लगी हुई है वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी आईडी है एट दैट पॉइंट उस पर पे मेरा पेज भी है जो कि आजकल मैं ज़्यादा चला नहीं रहा हूँ एम ऑन यूट्यूब तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज मुझे अच्छा लगता है मैं कभी भी इस चीज़ के लिए किसी के गम में शर्क नहीं होता कि वो कहेगा कि ये मेरे गम में आया है मैं हमेशा किसी के गम में इस वजह से शरीक होता हूँ क्योंकि हमारा रब राजी होता है इस चीज़ से हमें लोगों को समझना चाहिए आप हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि आपकी तरफ हमदर्द है आप ये क्यों नहीं चाहते हैं? कि आप ही ख़ुद हमदर्द बन जाए किसी के सो so, मैंने ये चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप किसी के लिए हम एज़ ए हमदर्द मुयसर हैं तो आप जैसे किसी का भी इशूज़ हैं कोई भी इशूज़ है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वो मुझसे बात कर सकते हैं अगर मुस्तकाल तो बात करना चाहें वैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं इफ विदाउट शोइंग देयर आइडेंटिटी वो अपनी आइडेंटिटी छुपा अच्छा भी सकते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग मुझसे काम क्योंकि मैं दिखावे के लिए नहीं सुनता किसी को कभी ये कौन है उसका सिर्फ इसकी सुन ली जाए किसी और की नहीं सुनी मैं अल्लाह के रजा के लिए, लिए सुनता हूँ तो उस तरह तो आइडेंटिटी अच्छा मेरे लिए, लिए मैटर करती नहीं इवन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई आइडेंटिटी की अपनी छुपा के मुझसे बातें करता है मेरे पास बहुत सारे केसेज़ हैं ऐसे जो मेरे पास इस तरह क्या है और मैं कभी उसमें वीडियो बनाऊँगा कोई भी कोई डिस्कस करूँगा उनके जो मेन लेसन हैं वो आपसे शेयर करूँगा कि आप वहाँ से क्या क्या हासिल होता है इंसान को इंसान अपनी गलतियों से क्या क्या कुछ सीखता है थैंक यू सो मच अफिज़ फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड सिंग दिस वीडियो टेलेंट अलाफि